जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 17 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूँ, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित है। आज हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग जैसे डेली जो मैप प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से मैप प्रैक्टिस, इसमें मैप देखने वाले हैं और दो तीन मैप इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि हवाई, ठीक है, ये अभी न्यूज़ में है, माउंट एटना और फ्लोटिंग रेट रेल, विश्वकर्मा योजना और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इतने सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज बहुत लेट हो गया है, आज तो उम्मीद नहीं था कि मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कल रात से ही वायरल फीवर है, तो शायद देखते हैं, मैं सही से तो बोल भी नहीं पा रहा था, तो अभी थोड़ा वो ठीक लगा है, आप लोगों का प्यार है तो मैं आज ये वीडियो बना करके ले आया हूँ। थोड़ा ठीक लग रहा है अभी, तो मैं सोचा कि गेप ना हो, है ना, गेप तो नहीं होता, अगले दिन मैं लेकर गया था, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया हूँ मैं, तो देखते हैं अगर जितना अच्छा लगे आगे चल करके थोड़ा ठीक लगे आज भर में, तो फिर मैं जरूर, कल का भी हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है, तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे। चलिए देखते हैं आज उन लोगों को आज क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं हवाई, ठीक है, हवाई मैप में देखिएगा, ये यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा है हवाई, ठीक है, ये मैक्सिको के पश्चिमी क्षेत्र में है और USA का ये एक राज्य है, ठीक है, तो हवाई अभी न्यूज़ में है इसलिए याद रखेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपको दिखेगा मैक्सिको के पश्चिमी क्षेत्र में, या फिर USA के भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, और ये पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है, आपको यहाँ पे दिखेगा ये, ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो है होनोलुलु, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे। ये न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये अभी यहाँ पे आग जनित घटना, जो जंगलों में जिस तरीके से आग लग जाता है ना, कई बार मानवीय घटनाओं के कारण से या फिर प्राकृतिक घटनाओं के कारण से आग लग जाता है, तो उसी चीज के कारण से यहाँ पे ये न्यूज में है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग को बस इतना ही ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा है मैप ध्यान में रखना है कि हवाई जो है ये कहाँ पे है, ठीक है, ये एक आइसलैंड है, ठीक है, लेकिन ये USA के अंतर्गत है, USA का एक 50वां राज्य है ये, USA आपको पता होगा, ठीक है, कि ये 50 राज्यों में अलग अलग बटा हुआ है, सभी एक दूसरे का एक मतलब पॉलिटिकल रूप से, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट सभी का एक ही राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन राज्यों में अलग अलग बटा हुआ है। देखिए, हवाई के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का जो द्वीप है, द्वीप को अब थोड़ा और करीब से देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये हवाई दिख रहा है, ठीक है, उसी के आप थोड़ा सा और आगे यहाँ पे देखेंगे तो उसी में ये सब जुड़े हुए हैं द्वीप, अलग अलग द्वीप है यहाँ पे, तो इस जगह पे देखेंगे मावी, मावी करके एक अलग सा यहाँ पे उसी का एक सिटी है, तो उस ये जो मावी है यहीं पे आग जनित घटनाएं हुई है, ठीक है, पूरा आप देख रहे हैं कि समुद्र में है ये क्षेत्र, ठीक है, तो इसके बारे में मैप में खास करके ध्यान रखेंगे। कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये पश्चिम में है ये प्रशांत महासागर, ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जहां मैं आपको अभी दिखाया, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां और सबसे युवा राज्य भी है, ठीक है, अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हवाई में ये ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा निर्मित 8 मुख्य द्वीप है, तो यहाँ पे 8 इस टाइप से छोटे छोटे अलग अलग द्वीप हैं, ठीक है, और इसकी राजधानी होनोलुलु जो मैं आपको बताया उसकी राजधानी है, और ये जो आप देखिए ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे आता है, तो ये मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के पश्चिमी क्षेत्र में और ये पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें बस इसके बारे में याद रखना है, मैप में देखते रहना है, ठीक है, कुछ और चीज़ें लगे तो आप इसमें एड ऑन कर लेना। अब हम लोग देख रहे हैं एक और मैप इटली का, इटली के बारे में, ठीक है, इटली को सबसे पहले इस देश को देखिए, मैं आप लोगों को बताया था मेडिटेरियन से जब हम लोग मैप
उस समय देख रहे थे, तो मेडिटेरियन सी से संबंधित जुड़े हुए देश मैं आपको बताया था। तो उसी में हम लोगों ने इटली के बारे में भी देखा था कि इटली भी जो है इसके साथ ये मतलब जुड़ा हुआ है। इसका बॉर्डर लगभग तीनों तरफ से, जो इटली का जो जो बॉर्डर है वो घिरा हुआ है मेडिटेरियन सी से। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पूरा ये पश्चिमी क्षेत्र इटली का, ये दक्षिणी क्षेत्र इटली का यहाँ से लेते हैं, क्योंकि ये भी दक्षिणी, ये भी इटली का ही एक अलग द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं ये पूरा दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण के बाद से ये पूरा पूर्वी क्षेत्र इटली का, ये सब पूरा मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको करीब से देखते हैं यहाँ पे क्या घटना हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माउंट एटना, ठीक है, माउंट एटना ये है यूरोप। देखिए यूरोप कहाँ, सॉरी ये मतलब जो इटली है वो कहाँ पे है, तो ये पूरा यूरोपीय महाद्वीप का अंतर्गत ये है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं माउंट एटना, ये इटली का एक सिसली जो द्वीप है उसी जगह पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये माउंट एटना है। ठीक है, माउंट एटना अभी और भी कई बार आप सुने होंगे, तो ये यहाँ का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अभी यहाँ पे ज्वालामुखी घटनाएं देखी गई है, पूरा एयरपोर्ट वगैरह सब बंद है, तो इसलिए ये अभी न्यूज में है। ठीक है, तो माउंट एटना कहाँ पे है हम लोग को ये चीज याद रखना है। ठीक है, ये इटली के जो सिसली द्वीप है वहां पे है। ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी में, खास करके आप याद रखेंगे कि मेडिटेरियन सी में ये स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, और अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इटली, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इटली को अगर तीनों, सबसे पहले तो ये मेडिटेरियन सी में है। ठीक है, मेडिटेरियन सी के अंतर्गत ये तीनों क्षेत्र से अपने घिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे इसे करीब में यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये टर्हेनियम सी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंटियाटिक सी, मतलब इटली के पश्चिमी क्षेत्र में टर्हेनियन सी, पूर्वी क्षेत्र में एंटियाटिक सी, यहाँ पे देख रहे हैं आयोनियन सी दक्षिणी क्षेत्र में, इटली के दक्षिणी क्षेत्र में, तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और खास करके याद रखिएगा कि माउंट एटना कहाँ पे है, तो ये मेडिटेरियन सी के अंतर्गत सिसली द्वीप में इटली का क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां पे स्थित है। बार बार वो चित्र वगैरह देखते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, भले कम टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, सभी को लिख लीजिएगा, प्रीलिम्स की दृष्टि से है, मेंस का मैं आज क्वेश्चन नहीं दूंगा। ठीक है, बस यही रहेगा। देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग रेट रीड, इस तरीके का इकोनॉमी में आप वर्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे होंगे। मैं आपको जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न बताया था उसमें भी हम लोग देखे थे, है ना, कि इस तरीके का जो वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अभी इसमें जो आरबीआई है इसके द्वारा एक अलग तरीके से, इसमें भी कुछ इसको बेहतर करने के लिए, जो ऋण हम लोग ऋण जो लोन्स वगैरह लेते हैं ना, तो उस लोन्स का जो ईएमआई पे किया जाता है, उस ईएमआई पे में पेमेंट को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक फ्लोटिंग ऋण को, मतलब इसको लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया जा रहा है। तो हम लोगों को मेन चीज ये समझना है कि ये फ्लोटिंग रेट ऋण क्या है। ठीक है, मेन चीज हमारा यहाँ पे हम लोगों को मेन चीज यही पढ़ना है। ठीक, तो देखिए आरबीआई ने पारदर्शिता बढ़ाने और फ्लोटिंग रेट ऋणों के लिए समान मासिक किस्तों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उचित नियम स्थापित करने हेतु व्यापक ढांचा प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है उधारकर्ताओं की चिंताओं को दूर करना तथा वित्तीय संस्थानों के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करना। ठीक है, देखिए फ्लोटिंग रेट ऋण क्या है, तो फ्लोटिंग रेट ऋण जो है वो ऐसे ऋण होते हैं जिनकी ब्याज दर बेंचमार्क या फिर आधार दर या फिर बेस रेट के आधार पर समय समय पर परिवर्तन होते रहते बदलती रहती है। ठीक है, मतलब
समझिएगा, बस यही तो मेन चीज है, हम लोगों को समझना ही है फ्लोटिंग रेट ऋण को। फ्लोटिंग रेट ऋण यहाँ पे मतलब इस तरीके का ऐसा ऋण है ये, कि अगर आपको बेस जो रेट होता है, बेस रेट होता है, बेस रेट क्या रेट होता है, बेस रेट क्या है, तो बेस रेट है यहाँ पे आप देखे होंगे रेपो रेट। अब मैं आपको पहले भी पढ़ाया था, आप लोगों को नॉर्मली जानकारी भी होगा, है ना। तो रेटो रेट में आप देखेंगे कि जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं, ठीक है, उनको जब आरबीआई जब उनको लोन देता है, ठीक है, उधार देता है, तब वो अपना एक वहां पे ब्याज दर तय करता है, ठीक है, उसी ब्याज दर को हम लोग यहाँ पे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। और फिर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो जस्ट उसके उल्टा होता है, जब बैंकों से आरबीआई पैसा लेता है, तब उसको जिस रेट पे जो व्यापारिक बैंक है उनको जिस रेट पे वो ब्याज देता है, उसी को हम लोग फिर रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो जो रेट जो है, जो रेट को निर्धारित करते हैं ना, उसी को बेस रेट कहते हैं, कि किस बेस पे जो है हम लोगों को ऋण को तय करना है, ठीक है, ब्याज को तय करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग बेस रेट कहते हैं। तो जो रेपो रेट है, रेपो रेट भी एक उसी तरीके का उदाहरण है, ठीक है। तो बेस रेट क्या है, नॉर्मली आप समझ गए, जिस आधार पर मतलब एक आधार है, एक आधार है, एक क्राइटेरिया है, कि इसी आधार पे हम लोग जो है लोन देंगे, ठीक है, लोन का ब्याज दर ये सब चीजों को हम लोग सेट करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसी वो जो आधार रेट जो है, उस आधार रेट के हिसाब से जो फ्लोटिंग रेट ऋण है उसमें भी चेंजेस होते रहता है। तो इसकी एक विशेषता यहाँ पे ये है कि वो क्या है, लगातार जो आधार दर है उसके साथ फ्लोटिंग होते रहेगा, इसलिए फ्लोटिंग बोला गया है उसको, ठीक है, समय समय पर परिवर्तन होते रहेगा। आप देखे होंगे कि लगातार आरबीआई जो है कभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये सब चीजों का आप लगातार देखें, थोड़ा बहुत चेंजेस ऊपर उतार चढ़ाव होते रहता है। तो सेम वैसे यहाँ पे ये होगा फ्लोटिंग रेट ऋण में, वैसे उसमें भी बदलाव होते रहेगा, ठीक है, तो क्लियर है। अब यहाँ पे जो आधार दर है, आधार दर क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, आधार दर क्या, आधार दर जो है वो क्या है, जिसमें जो आरबीआई है वो जो जितने व्यापारिक बैंक है उनको लोन देता है, ठीक है। फ्लोटिंग रेट ऋण को परिवर्तनीय दर ऋण के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऋण की अवधि के अनुरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो फ्लोटिंग रेट ऋण के बारे में कुछ ये सब बातें याद रखिएगा, कि एक परिवर्तनीय दर है, ठीक है, एक परिवर्तनीय रेट है, जो कि ऋण के हिसाब से, उनकी अवधि के हिसाब से वो चेंजेस आते रहती हैं उसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर इस तरीके का चेंजेस आएगा तो इससे क्या होगा, बस 3 पॉइंट से 4 पॉइंट में आपको प्रीलिम्स का ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो परिवर्तनीय से संबंधित जो मैं आपको जो बेसिक चीज बताया वो, फिर उसके प्रभाव, तो उसके प्रभाव क्या होता है कि भविष्य में ब्याज दरों में गिरावट का अनुमान है तो उधारकर्ताओं को फ्लोटिंग रेट ऋण से लाभ होता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ब्याज दरों में गिरावट का अनुमान अगर रहेगा तो उस समय क्या होगा, उधारकर्ताओं को यहाँ पे फ्लोटिंग रेट ऋण के हिसाब से जो होगा उनको एक फायदा हो जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद से इसके विपरीत एक निश्चित ब्याज दर वाले ऋण के लिए उधारकर्ताओं को ऋण अवधि के दौरान निर्धारित किस्तों का भुगतान करना पड़ता है, और यह अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के समय अधिक सुरक्षित और स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग रेट ऋण के बारे में कुछ कुछ मेन मेन बातें हैं, जिनको आप 4 से 5 लाइन में बस लिख लेना, 4 से 5 पॉइंट में आप लिख लेना, एकदम कंठस्थ उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम लोग देखते हैं विश्वकर्मा योजना के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। देखिए इसमें अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके के यहाँ पे जितने भी छोटे जो इस तरीके के जो कार्य करते हैं, ठीक
ठीक है, ये छोटे छोटे व्यापार जो हैं इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए ये विश्वकर्मा योजना लेकर के आया गया है। ठीक है, आप देखे होंगे योजना से संबंधित भी प्रश्न आपको बहुत सारे दिखे होंगे। ठीक है, तो ये जो विश्वकर्मा योजना है ये एक तरीके से यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि किस योजना से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे योजनाओं का उद्देश्य सारी चीज़ें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो योजना है ये जो योजना है इसमें देखिए 30 लाख कारीगर व्यापारी परिवारों को यहाँ पे इससे मदद मिलेगा। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने यहाँ पे उनके द्वारा पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक योजना की घोषणा की गई है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो हाथों और औजारों का उपयोग करने वाले कारीगरों के बीच गुरु शिष्य परंपरा और पारंपरिक कौशल को मजबूत करना है। मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण, कारीगर उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। मतलब टू द पॉइंट यहाँ पे हम लोग को नहीं मिला है। ठीक है, जो जिस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए। नॉर्मली आप देखिए कैसे समझेंगे कि जितने भी इस तरीके की जो कारीगर जो लोग हैं जो जैसे कि आप पारंपरिक रूप से जो मटके वगैरह ये देखिए ये सब, ठीक है, ये सब जो बनाने का छोटे छोटे इस तरीके से मटके वगैरह, ठीक है, चटाई वगैरह इस तरीके का, ये लकड़ी के वो पतले पतले सिंक के द्वारा इस तरीके का ये एक टोकरी टाइप से जो बनाया जाता है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, अलग अलग पारंपरिक रूप से जो कार्य है इसमें कपड़ा वगैरह को लेकर के, ठीक है, तो ये सब चीजों को इसमें रखा गया है। तो उन सभी को उनका एक उनके विकास के लिए ही मेन उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये विश्वकर्मा योजना है उनको बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, सिंपल एकदम टू द पॉइंट वाले वर्ड में ये मतलब है। ठीक है, तो इसमें देखिए बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, ठीक है, ये जैसे 18 यहाँ पे पारंपरिक व्यवसायियों को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 18 कोई भी एक चीज पे बेस्ड नहीं है, 18 पारंपरिक इसमें व्यवसाय को रखा गया है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है, आईडी कार्ड मिलेगा और 50% ब्याज दर, सॉरी 5% ब्याज दर पर 1 से 2 लाख तक की क्रेडिट सहायता प्रदान भी इसमें करता है ये विश्वकर्मा योजना के तहत है। ठीक है, यानी कि इस तरीके के छोटे जो ये बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार जो हैं ये लोग इसमें 1 से 2 लाख तक जो है क्रेडिट सहायता ले सकते हैं। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण के दौरान यहाँ पे इनको ₹500 प्रतिदिन के वजीफे के साथ साथ बुनियादी और उन्नत कौशल कार्यक्रम भी प्रदान किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा इसमें चीज है कि इनको सिखाया भी जाएगा, इसमें पैसे भी मिलेंगे। 5 साल की अवधि में 30 लाख परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें भी 5 पॉइंट याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि ये योजनाएं किन किन लोगों के लिए है, ठीक है, इन सभी चीजों को, ठीक है, फिर इसमें एक इस तरीके का जो है 5% ब्याज दर पे 1 से 2 लाख तक का यहाँ पे उनको क्रेडिट सहायता मिलेगा, कौशल प्रशिक्षण यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान ₹500 प्रतिदिन, ठीक है, उनको मिलेगा, प्लस यहाँ पे उनको एक कौशल कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 5 साल की अवधि के अंतर्गत 30 लाख परिवारों को इसमें कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरीके का पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी जो न्यूज में यहाँ पे चल रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनका एक यहाँ पे स्टेटमेंट निकल के आया, वो है M.K. स्टालिन। ठीक है, तो ये जो है अभी आप लोगों को जानकारी होगा, तो जो शिक्षा है ये सब प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो शिक्षा है, शिक्षा का क्षेत्र है जो है वो समवर्ती सूची में है। हमारे पास 3 सूची है, राज्य सूची, ठीक है, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची। ठीक है, तो इस तरीके से 3 सूचियां हैं, एक राज्य के पास है, एक राज्य प्लस केंद्र, और यहाँ पे केवल केंद्र। ठीक है, तो
तो इस तरीके की तीन सूचियां हैं, तीनों सूचियां में अलग अलग कार्य निर्धारित हैं कि केंद्र कौन सा काम करेगा, राज्य कौन करेगा, राज्य कौन सा कार्य करेगा और दोनों मिल के कौन सा कार्य करेंगे। तो ये सब अलग अलग यहाँ पे कार्य बंटवारा कर दिए गए हैं। तो उसी के अंतर्गत जो शिक्षा है वो यहाँ पे समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। मतलब इसमें राज्य भी मिलके काम करेगा और प्लस भी, सॉरी, केंद्र भी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें अभी जो एम के स्टालिन है, ठीक है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अभी यहाँ पे ये एक तरीके से मांग कर रहे हैं कि जो ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स में इस तरीके से प्रश्न बनता है कि जो शिक्षा है वो यहाँ पे राज्य, मतलब राज्य सूची में रखा जाए, ताकि राज्य जो है वो पूर्ण रूप से उसको बेहतर तरीके से अपने अपने हिसाब से उसमें कार्य कर सके। देखिए इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक बातें हम लोग देखते हैं। 1976 से, देखिए 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। तो 1976 में आप देखे होंगे, 1976 से पहले जो है इसमें राज्य की, मतलब राज्य के अंतर्गत था ये पूर्ण रूप से, लेकिन जैसे ही 1976 आया, मतलब कि 42वां संविधान संशोधन, उस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ इंदिरा गांधी के समय में, तब वहां पे फिर क्या हुआ कि इसी संशोधन के अंतर्गत पांच ऐसे ऐसे सेक्टर थे, पांच मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे हम लोग सेक्टर ही मान लेते हैं, विषय जिसको कहा जा रहा है, तो विषय है ना, ये पांच ऐसे विषय थे जिनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस पांच में से एक जो था शिक्षा भी शामिल था इसमें, ठीक है। तो अब शिक्षा को भी 1976 के बाद से आप अभी देखे होंगे कि प्रीलिम्स में इस तरीके के डेट वाइज भी पूछ देता है कि कौन से संशोधन के द्वारा गया था, या पॉइंट्स में पूछ देता है कि इतने इस संशोधन के द्वारा ये रखा गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये समवर्ती सूची में डाल दिया गया इसको 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो हम लोग थोड़ा सा 42वां संविधान संशोधन को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 42वां संविधान संशोधन, हाफ संविधान संशोधन, इसको एक लघु संविधान भी कहा जाता है इसको, 42वां संविधान संशोधन को। तो इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से जुड़े हुए होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, ठीक है। इसको लघु संविधान संशोधन भी, लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। और यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द को जोड़ा गया था। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, मैं भले ही प्रश्न नहीं लाया हूं, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि जो हम लोगों का जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है, ये लगातार आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रियम्बल में आपको दिखेगा, यहाँ से लगभग एक ना एक वहां से प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न ही पूछा गया था कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, या फिर ऐसे पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है ये शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, हमारी उद्देशिका में। देखिए आगे इसमें जितना पॉइंट है टू द पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, याद रखिएगा मेन पॉइंट है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे फिर अगला कि इसमें एक नया एक भाग इसमें जोड़ा गया, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आप देखते हैं ये भाग चार क के अंतर्गत देखेंगे कि नागरिकों के लिए इसमें मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। पहले मौलिक अधिकार था, फिर मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, ठीक है। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य भी किया गया, ठीक है। तो इस समय जो है राष्ट्रपति कैबिनेट का सलाह मानने के लिए बाध्य हो गए थे, ठीक है। उसके बाद से संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। मतलब किसी प्रकार का संविधान में कोई संशोधन अगर किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, तो उस समय फिर वो न्यायिक जांच उसकी नहीं होगी, समझ रहे हैं आप। मतलब एकदम अलग तरीके का यहाँ पे एक
दिख रहा था बदलाव, चेंजेस। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को भी बाउंडिंग, यहाँ पे न्यायपालिका जो कि ये सभी अलग अलग स्तंभ हैं, ठीक है, तो इस पे भी पूरा यहाँ पे कंट्रोल लगा दिया गया था, तो ये चेंजेस किया गया। उसके बाद से फिर आप देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा या और रिट जो न्याय क्षेत्र हैं, इन शक्तियों की भी कटौती की गई। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से यहाँ पे 6 वर्ष बढ़ा दी गई, ठीक है। और फिर उसके बाद से भारत के किसी भाग में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा की भी व्यवस्था की गई। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया, और ये 5 सूची, अब इसमें कौन कौन से थे, देखिए 5 विषय कौन से थे, तो पहला शिक्षा था, फिर वन, फिर वन्य जीव और वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल एवं न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। तो इस तरीके से इसमें इन विषयों को जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो याद रखिएगा ये 5ों चीजों को, क्योंकि शिक्षा से पूछा गया तो उसके और बैकग्राउंड में जाकर के समवर्ती सूची से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आज का करेंट अफेयर्स था, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करेंगे, है ना, और पूरा इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो जरूर अपना प्यार लाइक करके, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।